कमजोरी मत समझना, डरते नहीं किसी से भी, डर नहीं है किसी के बाप का भी। अरे हमारी अजान, अरे कभी सुन के तो देख ले मेरे भाई, मालूम पड़ेगा क्या बिठा से आगे की आवाज तो सुन ले पूरी। तू बोलेगा रोज बजाओ, मेरे घर के बाहर बजाओ, मेरे घर के अंदर बजाओ। एक मिनट की अजान तुमको इतनी भारी पड़ गई? रस्ते पे नमाज क्यों पढ़ते हैं? अरे क्या मुझे आपको शौक है क्या रस्ते पे नमाज पढ़ने का? अरे क्या शौक है क्या हमको ये बारिश में, धूप में, रस्ते में नमाज पढ़ने का शौक है क्या हमको? अरे जगह नहीं है इसलिए पढ़ते हैं मजबूरी में। ये तुमको तकलीफ हो गई? जब तुमको तकलीफ नहीं हुई, जब तुम्हारे गुंडे रस्ते में उतर उतर के ट्रैफिक को रोकते हैं, जब तकलीफ नहीं हुई, हमारी अजान से तकलीफ हो गई? अरे जब तुमको तकलीफ नहीं हुई, जब कासिम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था बचाओ, जब तुमको तकलीफ नहीं हुई, जब रख पर बोल रहा था मैं बेकसूर हूं, मत मारो मुझे, जब तुमको तकलीफ नहीं हुई और हमारी अजान से तुमको इतनी तकलीफ हो गई, हमारी नमाज से इतनी तकलीफ हो गई। सियासत के पहले इसी तरह की ऊंची हरकत करेगा सबको, क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी बोलता हूँ, आगे भी बोलूंगा, पूजा हुआ दिया है, पूजा हुआ दिया। हमारे रिलीजन में करेंगे। अरे हम तो वो लोग हैं, हमारा तो वो देश है, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है हमारा देश, हम तो हर त्योहार मनाते हैं, तुम्हारी महाआरती चलती है जब रस्ते पे घंटियां बजाते हैं, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते, अपन लोग ऑब्जेक्शन नहीं लेते हमारे। अरे गणपति के फेस्टिवल में 10 दिन तक रस्ते पे ट्रैफिक, ढोल बाजा सब बजता है ना, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते ना भाई। फिर तुमको क्या ऑब्जेक्शन? बंद करो अपनी ये गंदी सियासत और बंद करो अपनी ये गंदी राजनीति, क्योंकि अब तो मेरा मराठी माणूस भाई भी समझ गया है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवा बोलने।